हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश और आप देख रहे हैं आन ग्रुप। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ चुनार सिटी से लेकर लखनिया दरी तक के नज़ारे, जो कि मैं आपको बाइक राइड करके दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग जो है चुनार रेलवे क्रॉसिंग को डाक चुके हैं, रेलवे स्टेशन को। और ये देख सकते हैं आप, हम लोग अभी रास्ते में। और ये आप दाहिने साइड और बाएं साइड देख सकते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जो कि मिर्ज़ापुर का बाईपास बन रहा है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। यदि आप लोगों को नहीं पता इसके बारे में तो आप लोग कमेंट में करके बताइए, हम हो सकता है तो इसका अलग से एक और नया वीडियो यहाँ पर आके फिर से बना देंगे। और अभी आप ये देखते हैं, हम लोग चुनार ब्रिज को डाक चुके हैं, चुनार किला को डाक चुके हैं, चुनार सिटी को डाक चुके हैं। और ऐसे में अभी आप देखते हैं यहाँ पर पहाड़ों को दिखना शुरू हो गया है, जो कि काफ़ी सुंदर लुक है। और इससे भी ज़्यादा और इससे भी अच्छे पहाड़ दिखाई देंगे जैसे ही हम लोग पूरा ये मार्केट और जमुई क्रॉस कर लेंगे। तो अभी चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये बाएं साइड में जो है रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे ब्रिज बन रहा है, जैसा आप लोग देखते हैं रेलवे क्रॉसिंग के लिए। और इधर दाहिने साइड में ब्रिज बनेगा, जो कि व्हीकल के लिए बनेगा। तो ये दोनों साइड से, और ये पुराना ब्रिज है तो इसके दोनों साइड ब्रिज बनाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और अभी इधर हरियाली काफ़ी बढ़िया है, देखने में इधर का लुक काफ़ी अच्छा है। और अभी कंटिन्यू बने रहे एक वीडियो में, और भी अच्छे अच्छे सीन्स और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो में कंटिन्यू करें। और अभी आप यहाँ पे आगे ये देखिए, यहाँ पे ये रेलवे अंडर ब्रिज बन रहा है, यानी रेलवे ऊपर जाएगा और लोग और बाइक साधन ये सब नीचे से आ जा सकेंगे। और पीछे एक बस स्टैंड बना था। और फिलहाल जो है हम लोग अभी यहाँ पर है, ये जमुई मार्केट है, हाँ शायद जमुई मार्केट ही है। और अभी आगे से जो है यहाँ से दाहिने कट लेने पर आप लोग शक्तिसगढ़ चले जाएँगे, एक रास्ता गया शक्तिसगढ़ आश्रम, या फिर आप वहाँ से सिद्धनाथ दरी जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सीधे जाते हैं, वहाँ से थोड़ी दूर पे कट लिया है दाहिने, जो कि अहिरौरा चला जाता है, अहिरौरा जो कि लखनिया दरी अहिरौरा में ही पड़ता है। और वही रास्ता सीधे आपको सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज और इसके अलावा और भी जगह लेकर जाएगा। तो चलिए हम आपको अभी वो रोड दिखाते हैं। तो ये देखिए यही है, यही है वो रास्ता जो कि चला जाता है सीधे यहाँ से सोनभद्र, सोनभद्र, और यही रास्ता सीधे अहिरौरा चला जाता है, जो कि लखनिया दरी को हमको लेकर जाएगा। तो अभी कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, ये है जमुई मार्केट। और यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे, यहाँ से हाईवे मिलेगा यहाँ से थोड़ी दूर पर। तो अभी ये सीधे चले जाएंगे और हाईवे के मदद से जो है हम लोग चले जाएँगे सीधे अहिरौरा, वहाँ से आप चाहें सोनभद्र भी जा सकते हैं, ये बोर्ड पर कुछ इस तरह लिखा गया है। चलिए वीडियो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी आप देखते हैं ये जो जमुई से रास्ता आता है वो हाईवे पे आ गए हम लोग। अब ये वाला असल में ये रियलिटी में जाता है सीधे सोनभद्र और अहिरौरा, वो तो बस एक लिंक रोड था चुनार टू अहिरौरा के लिए। तो कुछ इस तरह है, अभी ये हाईवे जो है हम लोगों को मिल गया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा आप लोगों को बता दें, लेकिन आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ के आगे यहीं थोड़ी दूर से आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे पहाड़ पर्वत देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी मनमोहक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। बताते चलें आपको, अभी हम लोग हैं स्टेट हाईवे 5 पे,
और ये आप देखते हैं स्टेट हाईवे 5। अभी यकीन नहीं आ रहा है आँखों को देख के कि ये स्टेट हाईवे है, क्योंकि हमारे यहाँ भदोही रामपुर जो कि एक नेशनल हाईवे है उसका हालत भी ऐसा नहीं है, वो एकदम ख़राब हो चुका है। तो ऐसी कुछ बात है। और अभी आप देखते हैं इधर दाहिने साइड पहाड़ पर्वत कुछ दिखाई देने लगे हैं। और आपको बता दें इस समय बादल आसमान में बहुत से हैं, तो देखने में ये मौसम भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इस रास्ते पर ट्रकों का चलन बहुत ही ज़्यादा है। और आपको बता दें यदि हाईवे बना है तो ऐसा हो नहीं सकता ब्रिज ना बनाओ, तो ऐसे में भी देखिए आगे ब्रिज बना है, इसके नीचे अंडर पास भी बनाया गया है, तो कुछ ऐसा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये रोड, यानी कि मिर्ज़ापुर में रोड का डेवलपमेंट भी काफ़ी बढ़िया हुआ है, लेकिन अभी रोड के मामले में सबसे आगे यानी कि हमारी इस रीजन में सबसे आगे तो बनारस ही है। और अभी आप ये कुछ इस तरह नज़ारा देख सकते हैं। और आपको बताते चलें यहाँ पे जो है एक्सकलेटर कम पड़ जा रहा है, एक ऐसा फील आ रहा है जैसे बाइक चलाते हुए, हालांकि 100 CC की बाइक है कितना जाएगी। लेकिन यदि आप भी आते हैं तो एक बात का ख्याल रखिए ऐसे में कि आपको एक लिमिट में चलाना है, क्योंकि जो है ब्रेकिंग कंट्रोलिंग उतना भी नहीं हो पाता। अभी एकाएक मान लीजिए कोई आता है, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, अगर कोई आ गया तो ब्रेक कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप लोग एक लिमिट में चलाइए बाइक। और अभी आपको बताते चलें अभी आप यहाँ पे नहीं थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आप अगर रोड के किनारे देखेंगे तो आपको मैक्सिमम देखने की मिलेंगी ट्रकें जो कि गिरी हुई हैं, जो कि पलटी हुई हैं। तो ऐसी कुछ बात, जब उतनी हैवी हैवी व्हीकल्स पलट सकती हैं तो ये 100 CC 150 250 300 350 की बाइक्स पलटने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो ऐसे में आप थोड़ा अपना स्पीड कंट्रोल में रखिए। हालांकि कुछ लोग आपको अगल बगल से ऐसे बहुत ही तेज़ लेकर जाते हुए दिखाई देंगे, तो आप उनके जो है वो बताइए कि नहीं हमको तेज़ चलाना है। आपको बताते चले हम लोग पहले से ही अहिरौरा एरिया जो है, अहिरौरा थाना जो है उसके अंतर्गत आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे अहिरौरा का पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी ट्रकें भी खड़ी हैं, क्योंकि जगह था यहाँ पे लोग खड़ी कर लिए हैं। और मे भी कुछ वारंट वारंट जो कुछ भी हो इनका कार्रवाई होता हो सकता है। और इसके अलावा अभी आपको दिखा दें यहीं बगल में ही थोड़ी दूर पे एक रास्ता निकला है जो कि सीधा चला जाता है अहिरौरा डैम के पास, और वो हालांकि वहां पे हम लोग वहां का वीडियो नहीं बना पाए। यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बताइए, फिर से हम वहां दोबारा जाएंगे और फिर से वहां का वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। और अभी आप सामने देखते हैं पहाड़ काफ़ी बेहतरीन है, और यहाँ का जो लुक है एकदम सिचुएशन काफ़ी बेहतरीन है, और कैमरे से उतना बढ़िया बताया नहीं सकता और मुंह से उतना बढ़िया बोला नहीं जा सकता जितना बढ़िया यहाँ सिचुएशन है, जितना बढ़िया यहाँ का लुक है। यदि आप यहाँ सब कुछ घूमना चाहते हैं तो आप खुद से आ सकते हैं, तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होगा।
अभी यहाँ से जो है लखनियादरी काफ़ी करीब आ चुके हैं, और आपको बता दें जो है यहाँ से ऊंचाई जो है काफ़ी ज़्यादा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे सब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, नीचे जो है काफ़ी जैसे नीचे दिख रहा है, और यहाँ से थोड़ी दूर के बाद ये जो ये पहाड़ दिखा ये इसको ढकने बाद ये देखिए यहीं से कटिंग है, तो यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद ये रास्ता सीधे अब चला जाता है लखनियादरी के पास। और यदि आप सीधे जाते हैं, टर्न नहीं लेते हैं, तो आप सीधे चले जाएंगे यहाँ से आप सोनभद्र। और ये देखिए आप यूपी पुलिस यहाँ पर है, पिछली बार आए थे तो यहाँ पे 100 नंबर की व्हीकल खड़ी थी। और आपको बता दें आप यदि टर्न नहीं लेते राइट, तो आप सीधे सोनभद्र चले जाएंगे, या फिर आप चाहें तो वहाँ आगे चल के चूनादरी जो है यहाँ से जो वाटरफॉल है बड़ा वाला वहाँ पर जा सकते हैं। और बाइक चलाते चलाते यानी कि लगभग 100 किलोमीटर आ चुके हैं, तो पैर एकदम थक चुका है, तो एकदम हालत ख़राब हो रही है जैसे। लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ है, जो पर्वत है, ये सब देख के यहाँ का जो व्यू है एकदम मन अच्छा हो जा रहा है, तो इसका थकान असर नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। तो अभी चलिए चलते रहते हैं, और ये देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया व्यू पॉइंट है। और अभी आगे यहाँ से आपको वाटरफॉल भी दिखाई देगा, तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पहाड़ के ऊपर आने के बाद काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है जैसे, और भी आप भी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे मतलब। और एक चीज़ आप लोग रोड यहाँ पे टर्निंग बहुत है, तो आप लोग रोड पे बाइक बहुत संभाल के चलाइए, बाइक कार जो भी है, क्योंकि रोड पे आप देखते हैं यहाँ पे सिटकी बहुत ज़्यादा है। और यदि आप टर्निंग के टाइम अगर स्पीड ज़्यादा है या ब्रेक हल्का भी लेंगे स्पीड ज़्यादा होने पर, तो तुरंत फिसलेंगे। तो ऐसे में आप लोग बहुत संभाल के बाइक चलाइए, क्योंकि मज़ा 10 मिनट के मज़ा के लिए अगर ज़्यादा स्पीड चलाएंगे थोड़े टाइम के भी मज़ा और ज़िंदगी भर के लिए सजा हो जाता है, तो ऐसे मत काम करिए। और ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग लखनियादरी पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, आगे चल के ब्रिज है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं।